मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट अवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 13. नेम ऑफ टॉपिक इज प्यूरिफिकेशन ऑफ बटर. तो पानी को हम प्योर कैसे, उसकी प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं. बटर प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जर्म्स एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम बेस टू मेक इट फॉर ड्रिंकिंग. तो वाटर प्यूरिफिकेशन की है, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम जर्म्स को रिमूव करते हैं और जो अदर इम्प्योरिटीज़ जो पानी में होती हैं उसको रिमूव करते हैं और उसे फिट बना देते हैं ड्रिंकिंग के लिए, मींस पीने के लिए. बिफोर द वाटर रीचर्स अवर हाउसेस थ्रू पाइप्स, इट इज़ फर्स्ट ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. जो पानी है उसको हमारे घर तक भेजने से पहले उसका एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसे बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं. अब हम उन स्टेप्स के बारे में क्या करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, कि सेडिमेंटेशन क्या होता है. डर्ट, मड एंड सैंड प्रेजेंट इन वाटर इज रिमूव्ड इन दिस स्टेप. जो हमारी मिट्टी, जो भी कुछ है पानी में, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, सैंड है, डर्ट है, उसको इस स्टेप में क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है. वाटर इज़ कलेक्टेड इन टैंक, पानी को किसी टैंक में कलेक्ट किया जाता है एंड इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू आवर्स. उसे कई घंटों तक ऐसे ही रखा जाता है, उसको मीन्स पानी को जो टैंक है उसमें कलेक्ट करके काफ़ कुछ आवर्स के लिए, घंटों के लिए उसे ऐसे ही रख दिया जाता है. डर्ट, मड एंड सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ टैंक. तो ऐसे रखने से क्या हो जाता है, जो उसमें डर्ट है, मड है, कुछ भी सैंड मिट्टी वगैरह जो भी है, वो सेटल डाउन मीन्स नीचे बह जाता है उसके टैंक के बॉटम में, बिल्कुल नीचे. दिस लेयर फॉर्म्ड एट द बॉटम इज नोन एज सेडिमेंट. जो नीचे बॉटम में लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट. एंड द प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट इज डिकेंटेशन. द क्लियर वाटर इज पास्ड इनटू अदर टैंक थ्रू पाइप. तो जो पानी साफ हो गया, ऊपर जो पानी साफ रह जाता है उसको दूसरे जो टैंक है उसमें पाइपलाइन के थ्रू डाल दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. क्लीन वाटर इज पास थ्रू फिल्टर और फिल्टर पेपर मेड ऑफ सैंड और कोल. तो जो क्लीन वाटर है उसको या तो फिल्टर किया जाता है या एक फिल्टर पेपर होता है जो सैंड और कोल से बना होता है. क्लीन वाटर दैट ट्रिकल थ्रू फिल्टर इज कलेक्टेड. तो जो क्लीन वाटर है जो फिल्टर के थ्रू पास हो गया उसको कलेक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन. क्लोरिनेशन क्या है, इन दिस स्टेप क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द फिल्टर्ड वाटर टू किल हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इट. तो क्लोरिनेशन में क्या है, जो पानी है उसके ऊपर से क्या पास की जाती है, क्लोरीन गैस, जिससे उसमें जो प्रेजेंट जर्म्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, किल हो जाते हैं. व्हेन ऑल फोर स्टेप्स हैव बीन कैरिड, जब ये फोर स्टेप्स हो जाते हैं, क्लीन वाटर इज पम्प्ड इनटू ओवरहेड टैंक्स. तो जो ऊपर टैंक है उसमें डाल दिया जाता है क्लीन वाटर को एंड देन सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन टू अवर होम. तो उसे क्या किया जाता है, पाइपलाइन से थ्रू क्या किया जाता है, हमारे घर तक पहुंचाया जाता है. वाटर पाइपलाइंस नीड रेगुलर मेंटेनेंस एज द पाइप्स ऑफन गेट रस्टी और डेवलप लीकेज. तो जो वाटर पाइपलाइन है उसको रेगुलरली मेंटेन किया जाता है, चेक किया जाता है, ताकि वो लीक ना हो, विच मेक्स वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग. अगर वो लीक हो गई या रस्टी हो गई तो उसमें जो पानी है वो अनसेफ हो जाएगा, मीन्स हमारे पीने के योग्य नहीं रहेगा. ड्रिंकिंग वाटर दैट इज नॉट क्लीन माइट कॉज डिसीजन. जो ड्रिंकिंग वाटर है जो साफ नहीं होता उससे क्या हो जाता है, उसके क्या कौन सी डिसीजेज, बीमारियां फैल, डायरिया, डायनस्ट्री, कॉलरा एंड टाइफाइड हो जाता है. नेक्स्ट इज क्लीन वाटर एट होम. आप पानी को घर पे कैसे क्लीन कर सकते हो. वी कैन प्योरीफाई टैप वाटर एट होम बाय बॉइलिंग, यूजिंग फिल्टर्स और बाय एडिंग केमिकल्स. आप अपने जो घर पे पानी है, मीन्स टैप में जो वाटर है, उसको बॉइलिंग के थ्रू क्लीन कर सकते हो या फिल्टर के थ्रू. लुक एट द पिक्चर, ये किसकी पिक्चर, आपकी सभी के किचन में लगा है ना वाटर फिल्टर. और बाय एडिंग, जो उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करके. फर्स्ट इज बॉइलिंग. बॉइलिंग से कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं. इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट मेथड है प्यूरीफाई करने का वाटर को घर पे. वाटर शुड भी उसको बॉयल किया जाता है 15-20 मिनट के लिए, फिर उसे कूल किया, ठंडा किया जाता है एंड स्टोर किया जाता है.
नेक्स्ट इज यूजिंग फिल्टर। फिल्टर के यूज से कैसे कर सकते हैं? वाटर फिल्टर आर यूज टू, किसके लिए यूज किए जाते हैं? रिमूव इम्प्योरिटीज, जो टैप वाटर में इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए। विलेजेस में लोग क्या करते हैं, गांव में पीपल टाई अ थिन पीस ऑफ क्लॉथ अराउंड द माउथ ऑफ अ टैप टू प्योरीफाई वाटर। विलेजेस में लोग क्या करते हैं, जो टैप है उसके माउथ पे एक पतला सा जो कपड़ा है वो बांध देते हैं वाटर को प्योर करने के लिए। एडिंग केमिकल्स के ऐड से कैसे कर सकते हैं? वाटर कैन बी प्योरीफाइड एंड मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग के लिए। सेफ हो कैसे बना सकते हो? बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स यूज करके, जो क्लोरीन की टैबलेट आती हैं, एंड पोटाशियम परमैंगनेट यूज करके। दीज केमिकल्स क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर द राइट अमाउंट ऑफ केमिकल शुड बी यूज टू प्योरीफाई द वाटर, और राइट अमाउंट केमिकल्स के यूज करके आप वाटर को क्या कर सकते हो, प्योरीफाई कर सकते हो वाटर को। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वन इज डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन क्या होता है? रिमूविंग सॉल्यूबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर सो दैट इट इज फिट एंड सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। जो सी वाटर है उसमें क्या होता है, सॉल्ट, तो सॉल्ट को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है और जो पानी को सेव किया जाता है, फिट फॉर ड्रिंकिंग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डिसैलिनेशन, मीन सॉल्ट को रिमूव करना। व्हेन द सी वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू सन्स हीट और अंडर फ्लेम, ये सी वाटर है, इसको अंडर हीट रख दिया हमने, इसके नीचे हीट दे दी, तो क्या होता है, सॉल्ट डिपॉजिट आर लेफ्ट बिहाइंड। तो क्या है, जब आप फ्लेम दे देंगे तो जो सॉल्ट है उसके अंदर आर लेफ्ट, वो नीचे रह जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड, एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर ई विच इज फॉर्म थ्रू कंडेंसेशन आर सॉल्ट फ्री एंड आर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो इस यहाँ से क्या बनती है, वाटर के ड्रॉपलेट्स ऊपर चले जाते हैं और इधर जो पानी जाता है ये फ्रेश वाटर होता है, कंडेंसेशन के थ्रू जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाता है, उसके वाटर के वेपर्स ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरिंग वाटर। वाटर को किस किस में आप स्टोर करके रख सकते हैं? वी शुड स्टोर एंड हैंडल वाटर, हमें केयर से करना चाहिए, दिस प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग डर्टी, ऐसे करना चाहिए कि वो डर्ट होने से बच जाए। वाटर स्टोर इन कंटेनर में कर सकते हो, वेसल्स में, बॉटल्स में, जिसमें भी आप स्टोर करते हो उसको अच्छे से कवर करना चाहिए और वो क्लीन रखनी चाहिए। वाटर कैन बी स्टोर इन अर्थन पॉट्स में भी कर सकते हो, और किसमें, और कॉपर पॉट्स विद लिड्स के साथ, उसमें भी कर सकते हो, लिड मीन ढक्कन होना चाहिए उसके ऊपर। बट शुड नेवर बी स्टोर्ड फॉर मैनी डेज, के लिए स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। एक्सेस वाटर कैन बी यूज टू वॉश यूटेंसिल्स एंड वेजिटेबल, अगर आपके पास ज़्यादा पानी है, पीने के बाद कुछ पानी बच गया, तो उससे आप अपनी वेजिटेबल्स को वॉश कर सकते हो, प्लांट्स को वाटरिंग कर सकते हो, यूटेंसिल्स उसके साथ बर्तन वॉश कर सकते हो। वी शुड नेवर डिप अवर हैंड इन क्लीन वाटर, आपको जो अपना हैंड है, जब भी आप इस अर्थन पॉट में से पानी निकालते हो तो हैंड को उसके बीच नहीं डालना चाहिए, उसकी बजाय आपको क्या यूज़ करना चाहिए, लैडल, वी शुड यूज़ लैडल यूज़ करना चाहिए इसके बीच। नेक्स्ट इज समटाइम्स व्हेन देयर इज इनसफिशियंट रेनफॉल वी नीड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अगर कुछ टाइम क्या होता है कि जो रेन है वो ज़्यादा नहीं होती, तो हमें पानी को स्टोर करके रखना चाहिए। डैम्स, रिजर्वर एंड कैनल आर बिल्ड फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, लुक एट द पिक्चर जी, किसकी पिक्चर, डैम में पानी को स्टोर किया जाता है। डैम्स आर बैरियर बिल्ड अक्रॉस रिवर टू होल्ड वाटर, तो जो रिवर में है उसके रिवर के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, डैम, जिसको बैरियर बोलते हैं। दे फॉर्म अ रिजर्वोयर विच इज़ अ लेक दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग वाटर बिफोर इट इज सप्लाइड टू पीपल, वो क्या बना देते हैं, एक रिजर्वोयर बना देते हैं, जो क्या है, लेक है, देयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, को स्टोर करके रखते हैं लोगों को पहचाने के लिए। दिस सप्लाई, दिस वाटर फ्लोज थ्रू कैनल्स के थ्रू फ्लो करता है, विच आर नैरो स्ट्रेच होते हैं पानी के, और चैनल डग टू सेंड वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड रिजर्वोयर टू एग्रीकल्चर फील्ड फॉर इरीगेशन, तो ऐसे लोगों को इरीगेशन के लिए भी पानी हम कैनल्स के थ्रू भेज सकते हैं। वाटर स्टोर इन डैम्स ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी स्टोर डैम्स में स्टोर किया जाता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, एंड कंट्रोलिंग फ्लड, जो फ्लड आते हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं। द बाखड़ा नंगल, सभी ने सुना है ना इसका नाम, बाखड़ा नंगल डैम ऑन दी रिवर सतलुज पे है, इज़ वन ऑफ दी हाईएस्ट, सबसे बड़ा डैम है इंडिया में। नेक्स्ट इज वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन क्या है, विद एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, द डिमांड फॉर वाटर भी क्या है, पानी की डिमांड बढ़ रही है। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू अस इन लिमिटेड, जो फ्रेश वाटर है वो बहुत लिमिटेड सी मिलता है, क्वांटिटी में मिलता है, देयर फोर इट शुड बी कॉस्टली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान से रखना चाहिए। इवन
क्या है? द वाटर अंडरग्राउंड, द अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, लीडिंग टू शॉर्टेज। तो ऐसे क्या है, नीचे पानी की शॉर्टेज बढ़ रही है। द केयरफुल यूज ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन। तो अगर जिस चीज़ को, पानी को आप केयरली से उसको हैंडल कर रही हो, यूज कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं। मीन्स वाटर को केयर से यूज करना। नेक्स्ट इज वेज ऑफ कंजर्वेशन के कौन से हैं? ऑल ऑफ अस शुड डू अवर बिट टू कंजर्व वाटर एंड टू कीप इट क्लीन। हमें सभी को पानी साफ रखना चाहिए, उसे कंजर्व करना चाहिए। उसके कुछ बेज हैं, रिपेयर एनी लीक्स इन एंड अराउंड टैप्स। अगर आपकी टैप लीक है तो उसको ठीक कराना चाहिए, रिपेयर करवानी चाहिए। डू नॉट कीप द ओपन टैप ओपन, जब ब्रश करती हूँ तो टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इंस्टेड ऑफ शावर, शावर की बजाय आपको बकेट या मग का यूज़ करना चाहिए। शावर से जो पानी की वेस्टेज होती है, यूज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर। जब आप क्लॉथ्स को वॉश करते हो तो लिमिटेड अमाउंट ही यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ हॉस पाइप टू क्लीन व्हीकल। जब अपन व्हीकल को धोते हो तो आपको हॉस पाइप का यूज़ नहीं करना चाहिए, किसका यूज़ करना चाहिए? बकेट का यूज़ करना चाहिए। वाटर प्लांट्स अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग टू कट डाउन द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। अगर आप जो वाटर प्लांट्स हैं जो सुबह जल्दी और जो लेट इन द इवनिंग के बाद, टू कट डाउन द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन, तो उससे इवेपोरेशन के थ्रू जब रात को लेट पानी देते हो उससे भी पानी का लॉस क्या होता है? कम होता है। यूज़ द लेफ्ट ओवर वाटर इन बॉटल्स टू वाटर प्लांट्स। जो आपकी बॉटल में पानी बच जाता है वो प्लांट्स को वाटर कर सकते हो। वाटर इन स्टोर रेन वाटर इन बकेट्स, जो आपकी रेन का पानी उसको बकेट में स्टोर करके रख सकते हो। और यूज इट फॉर, किसके लिए यूज़ कर सकते हो? वॉशिंग के लिए या फिर क्लीनिंग पर्पज़, किसी चीज़ को साफ करने के लिए। रेन वाटर हारवेस्टिंग इज़ ऑल्सो, जो रेन वाटर हारवेस्टिंग है वो बहुत गुड मेथड है ऑफ रीयूजिंग द कलेक्टेड वाटर। जो कलेक्ट वाटर किया गया उसको दोबारा से यूज़ करने का सबसे गुड मेथड है। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।